घर बैठे फिर वाले का आनंद ले सकते हैं। हम इसकी पहली बार सामना करेंगे सरकार का। जय 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 पहली गेंद बहुत ही लाभदायक है। अंदर की तरफ आठ आठ नंबर अर्जित किए हुए हैं। फिलहाल इस गेंद पर 9 रन का टारगेट बचा है और मात्र 6 रनों के बाउंड्री अंतिम रन के बाद सफलता का गोल सज्जी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर सज्जी भाई का आगमन होता हुआ हमारे कमेटी वक्त में जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। और जड़ में डाली गई रन आउट की खतरा हो सकती है।
इस टूर्नामेंट के बनाने में जितने हैं वो गांव रहा है सहयोगी इस टूर्नामेंट है। इस गेंद के बाद बताऊंगा बताओ भी क्या चाहिए। इसी बीच की चर्ची गेंद और नो कई साल समय बाहर हो जाएगा। एक लाख हमारे साथ इनकी जो निगाहें हैं ये जो इंटरनेशनल मैच में जो टीवी रिव्यू सिस्टम लगाई जाती है उससे भी बारी की है। इनकी निगाहों से हम नहीं पहचान सकते हैं। इसकी बॉल वहां पे नो बॉल और आज ये गेंद मूव की गेंद होगी। सरफराज खान के नजर से भी सारी गेंद मूव की होती है। इससे आउट करार नहीं दिए जाएंगे और उठा दिया है गेंद को। गेंद की मार खा से बाहर खेल रहे थे और सरफराज खान का खड़ा खुला हुआ है। नहीं मैं जाना चाहूंगा और ताली से उठेगा बात है। और इस टूर्नामेंट का सहयोगी है जिन्होंने बहुत मेहनत का सफल किया इस टूर्नामेंट का सफल कराने में नसीम भाई परवेज साहब रियाज भाई शाहिद अहमद परवेज भाई शाहिद भाई राहुल कुमार लड़न भाई साकिब जावेद भाई इमाम हम किस बेटी अजार जी हसी मकरा लड्डू वाली दस बार के सामने वाले स्कोर 132 रन दो विकेट नुकसान है। उनका चलते बार और बाहुबली अपने अर्धशतक के मापदंड के एक रन दूर नाम बनाने के लिए कारनामे करने पड़े हैं। वही कारनामे बार बार कर गुजरते हुए यहाँ सरफराज खान बाहुबली दर्शक जिस आस लगाए बैठे हैं जिस आवेदन के लिए बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं उसी का अनुरूप बल्लेबाजी करते हुए बाहुबली जो शुरुआत में ओवर में पंकज लाजवाब की बारी के लिए उनको बुलाया गया है। किसी की ओर भी पंकज क्राइम का बारे में बताएंगे। इसी बीच गेंद कहीं और बॉल बल्ले कहीं और चलाए गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। एक ऐसे संतुष्ट करना होगा इसको जा पहुंचा 133 रन मात्र दो विकेट लगाई है। अभी अभी इसी बीच में अगली गेंद यहां पे डैनियल सरफराज अब ऊंचा स्थान बनाकर खेल रहे हैं और बॉल पे लगा और तीन है विकेट कीपर के ऊपर से निकल गए चार रन। इस बार और इसी के साथ अर्धशतक पूरा हो रहा हुआ था सावधान का किसान अली जो सूफी के बहुत ही अच्छे भक्त हैं। मैं बहुत बार देखता हूं उनको गुलाम भाई के चरण के माध्यम से किसान अली अली ये मैं पहले ही बोला था पिछले एक दिन बोला था जैसे बेटी को केस पसंद है वैसे बाहुबली को केस पसंद है। इनके सामने गिर गया है किसान अली की ओर से बाहुबली को 1000 रुपए का नगद पुरस्कार सीधे उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। एक बार भी गेंद तारा के माध्यम से चला के लिए गेंद उतनी ऊपर गई है कि गेंद आसानी के साथ बिना किसी मशक्कत के साथ जो हवाई यात्रा करती है गेंद प्लेन मारती जाएगा। भावना में बदल गया उनका भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं बाहुबली और इनको छक्का में जाने सामने कितने छक्के लगाए हैं बाहुबली अभी तक। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी एक बार पुनः ही आगे आना चाहे कि पंकज और उनके टीम के खिलाड़ियों से कि अगर कोई भी गेंदबाज लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट प्राप्त करता है अच्छी गेंद ही रक्षात्मक बल्लेबाजी थोड़ी सी मिसफील हुई फॉलो थ्रू में वहां पंकज जी एक अधिकारी समाज भाई को लिए बताएंगे। अगर कोई भी गेंदबाज लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट प्राप्त करता है ये फॉलो मात्र 2 विकेट के नुकसान पे। अब दीपक गुप्ता जी की बात आपके चैनल के कर्ता धर्ता मौजूद है मैं उनका मंथन करना चाहूंगा आगे का उद्योग जो कुछ आपको दिखाई सुनाएंगे। जी दीपक गुप्ता जी का स्वागत करता हूं टीम में क्रिकेट में साथ जोरदार स्माइल
इस बार मैं चाहूं तो कहता हूं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। 23 क्रिकेट खिलाड़ी मुकाबले में जीत दर्ज कर ली है भारी अंतराल से उत्कर्ष लेवल सिवान। बहुत शानदार शुभकामना हो रहा है उत्कर्ष लेवल सिवान को और बहुत उसके लिए आप लोग गुजारिश रहेंगे कि कृपया आप दोनों टीमें आप हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे उत्कर्ष के लिए और दोनों टीमों के खिलाड़ी चढ़ जाने से सीखे के लिए धन है। जब दो टीमें आप अपनी फिरती है तो एक को जीत मारने का हर मौका है। फोटो ले रहा है और इस मुकाबले को खत्म किया है। तो मैं इस टूर्नामेंट के बारे में, इस आयोजन के बारे में, इस खेल के बारे में और अपने मैच के बारे में तो सब क्या कहना चाहेंगे रवि भैया? स्वागत है आपका जी। सबसे पहले यहाँ में सारे दर्शक और कमेटी के मुख्य अतिथि को मैं अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। क्रिकेट क्या होता है चाहे हम लोग आज दिन की खास सामने वाली टीम बहुत अच्छे थे नो डाउट अच्छी क्रिकेट खेला और उन्होंने जीता और जीत गया होता है बिल्कुल। अब इस मुकाबले के हीरो मैन ऑफ द मैच का जो पुरस्कार है सब खिलाड़ियों का हो पाए
बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी। और जो चमत्कार रखा गया है ग्रीन लाइन के फील्ड की ओर से वो मुखिया जी की ओर से एक बार जोरदार ताली बजाने जा रहा हूं पहले फोटो जो खतरा पानी फोटो जो हाँ एक कठे बांट दे फोटो खींच रखा खड़ा का यहाँ पर हमारे बाहुबली सरफराज को जो पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है पहला पुरस्कार मैन ऑफ द मैच का दिया गया है वही पे शानदार तीन मैचों में शानदार 20 छक्कों का जो आंकड़ा है उसको प्राप्त करने की वजह से शानदार हाईजेस्ट छक्का लगाने के लिए दूसरा उपहार इनको दिया गया है हमारे बाहुबली सरफराज को 1,000 रुपए की इनामी राशि दी गई है। साथ ही हमारे कैप्टन उत्कर्ष जो है उनसे हम दो चार शब्द बात करना चाहेंगे। सबसे पहले यहाँ क्या आए हुए दर्शकों को नमस्कार। नाम नहीं रख पाएंगे इतने हमारे फैंस इतने बढ़िया बाहुबली के फैंस और हमारे जो चाहने वाले हैं दूर दूर से आए हैं नाम नहीं रख पाएंगे हम लोग को तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद। और अब आज कमेटी का तो यहाँ खेल का हम लोगों का बहुत खुशी हुआ है काफी अच्छा टूर्नामेंट यहाँ खेलने को मिला फिर मौका मिलेगा खेलने आएंगे हम लोग यहाँ पे। और जीत हार का जहाँ बात है तो हम लोग ये नहीं सोचे थे कि वो टीम कैसा है कैसा नहीं हमारी टीम अच्छी थी हम लोग अच्छा खेला अच्छा जीते थोड़ा बीच में थोड़ा नमी था और हम लोग टाइम लगे तभी रन बना पाएंगे क्योंकि हमारे पीछे जितने सारे बैट्समैन हैं सरफराज बाहुबली बिट्टू यादव है अंशु मिश्रा अफ्ताब भाई ये जितने सारे लोग हैं क्रिकेटर हैं तो हम लोग थोड़ा खेलना पड़ता है शुरू में पीछे वाले बैट्समैन पड़ा लगा और एक और प्लेयर छूट रहे हैं तमाम चीज आप ही लोगों का है। और निवेदन करना चाहेंगे एक बार फिर से हम कैप्टन उत्कर्ष से कि आप कृपया अपने सीट पे कब्जा जमाएं और तमाम दर्शकों से निवेदन रहेगा कृपया तालियों के साथ जोरदार स्वागत है। उत्कर्ष जी एक बुलाने के फोटो खींच लिया जे का पिछवा पे।